दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब पीएम मोदी देश के बाहर जाते हैं तब उनकी सिक्योरिटी कौन करता है, और क्या वो अपने साथ ही अपनी सिक्योरिटी की गाड़ियां भी प्लेन में लेकर उड़ते हैं? और सिर्फ यही नहीं, क्या आपने कभी ये सोचा है कि उनके एक दिन के खाने की कीमत कितनी होगी? और क्या आपको ये पता है कि पीएम मोदी हमेशा उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जिस कार में सफर करते हैं उसकी कीमत कितनी होगी और वो कितनी सिक्योर है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले देश के पीएम के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पीएम मोदी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसपीजी ने दुनिया की सबसे सुरक्षित कार माने जाने वाली बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज 760 ली सिक्योरिटी एडिशन को इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस बात से आपको हैरानी होगी कि इस कार में गोली तो दूर की बात है, इस पर बॉम्ब का असर भी नहीं होता, और अगर ये कार लैंडमाइन के ऊपर से भी गुजर जाए तो भी इस कार को कुछ नहीं होगा। और अगर हम इस कार की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 10 से 12 करोड़ रुपए होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पीएम मोदी जब देश के बाहर जाते हैं तो कैसे वो अपनी गाड़ियों के काफिले को साथ लेकर उड़ते हैं। जब भी पीएम मोदी देश के बॉर्डर के बाहर कदम रखते हैं तब उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा 4 गुना बढ़ जाता है। वैसे आपको बता दें कि पीएम मोदी को देश के बाहर ले जाने की जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स की होती है। पीएम मोदी के काफिले के साथ उनके कई प्राइवेट प्लेन्स और उनकी कई सिक्योरिटी कार्स वगैरह भी जाती हैं, जैसे कि जैमर्स। ये वो जैमर्स हैं जो बॉम्ब को 100 मीटर के दायरे से ही अपने आप डिफ्यूज कर देते हैं। अब पीएम मोदी अपनी बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज की सिक्योरिटी एडिशन वाली कार को भी साथ ही लेकर उड़ते हैं। इसके साथ साथ एसपीजी की एक टीम उनके साथ हमेशा रहती है और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी दूसरी लेयर में उनके साथ ही रहते हैं। पीएम मोदी जब भी किसी और देश में किसी कार में बैठते हैं तब पहले एसपीजी के जवान उन कारों को चेक करते हैं। पीएम मोदी जब भी कहीं जाते हैं तो वो बोइंग 777 वीवीआईपी एयरक्राफ्ट में सफर करते हैं। कभी कभी पीएम मोदी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी करते हैं, और उस वक्त उनके साथ 2 डमीज हेलीकॉप्टर भी होती हैं, जो कि उनके किसी जगह पर पहुंचने से पहले ही सभी चीज़ों की जांच पड़ताल कर लेते हैं। वैसे जब भी पीएम मोदी अपने प्लेन में कहीं जाते हैं तब इनमें से एक सिक्योरिटी एडिशन हेलीकॉप्टर भी इनके साथ ही जाता है, जो कि पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है, जिसे सिर्फ उसी वक्त बाहर निकाला जाता है जब भी पीएम के ऊपर अटैक हुआ हो। पीएम मोदी जब भी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं तब एयरपोर्ट पर 1 घंटे पहले ही नो फ्लाइंग जोन बना दिया जाता है। पीएम जिस प्लेन में उड़ते हैं उसमें एक फुली लोडेड किचन, एक स्टे रूम, ड्रेसिंग रूम, मेडिकल रूम और शावर के साथ साथ एक आर्मर्ड रूम भी होता है, जिसमें बड़े से बड़े हथियार रखे होते हैं। अब बात करते हैं कि पीएम मोदी के एक दिन के खाने का खर्चा कितना होता होगा। पीएम मोदी हर दिन योगा करते हैं और इसीलिए वो हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। नरेंद्र मोदी सुबह के नाश्ते में पोहा उपमा जैसी गुजराती आइटम्स खाते हैं, और दोपहर के समय में वो बहुत ही सादा खाना जैसे कि दाल चावल जैसी चीज़ें ही खाते हैं, और रात के समय में नरेंद्र मोदी दाल रोटी और पनीर जैसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, और रात के खाने में वो कभी गुजराती कभी राजस्थानी ऐसे करके अलग अलग डिश खाना पसंद करते हैं। आमतौर पर इस प्रकार के खाने की कीमत 400 से 500 रुपए ही होती है, लेकिन पीएम मोदी के लिए सभी चीज़ें शाही तौर पर बनाई जाती हैं, जो कि काजू बादाम जैसी चीज़ों से भरी होती हैं, और खाना टेस्ट करने के बाद ही वो खाना पीएम मोदी को दिया जाता है, जिससे उस खाने की कीमत बढ़ जाती है। अगर प्रधानमंत्री के सीनियर शेफ की माने तो उनके एक दिन के खाने में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपयों का खर्चा होता है। अब दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि पीएम मोदी हमेशा उल्टी घड़ी ही पहनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों? दरअसल इस सवाल का जवाब पीएम मोदी से खुद अक्षय कुमार ने पूछा था, और तब पीएम मोदी ने उन्हें ये बताया कि वो अक्सर मीटिंग्स में बैठते हैं और वो नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि वो ऐसे घड़ी देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो उन्हें बोर कर रहे हैं और उसको इंसल्ट फील होती है, और पीएम उनके सम्मान के लिए हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, और इस तरह वो चोरी छुपे से घड़ी देख लेते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।